जी हाँ दोस्तों, आपके लिए मैं फिर से एक नया वीडियो यहाँ पे प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जहाँ पे आप सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से क्यूआर कोड को कैसे जेनरेट करते हैं। क्यूआर कोड नया टेक्निक से बना है, जहाँ पे आप क्यूआर कोड को जेनरेट करके एक पेपर में प्रिंट करके एक छोटी सी क्यूआर कोड से अपनी जानकारी दूसरे यूजर या दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। चाहे वो वेबसाइट का लिंक हो, चाहे वो मेल हो, कॉन्टैक्ट नंबर हो, पासवर्ड हो या और भी सारी जानकारी हो, क्यूआर कोड से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्यूआर कोड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे बनाते हैं। तो सिंपली हम आगे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे टाइप करेंगे विन वर्ड और इंटर करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा और सिंपली यहाँ पे हम ब्लैंक को लेंगे। देन हम जाएंगे इंसर्ट वाले टाइम में और यहाँ से माई एडन्स को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑफिस एड ऑन में माई एडन्स और स्टोर है, और सिंपली नीचे आएंगे और यहाँ पे ऑफिस स्टोर में क्लिक करेंगे। ध्यान रहे कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए, तभी यहाँ पे ऑनलाइन सर्च होगा। तो हम जाएंगे सर्च वाले टाइप में और यहाँ से क्यूआर कोड टाइप करके और सर्च करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितना क्यूआर कोड के अकॉर्डिंग एडन्स होंगे वो यहाँ पे सारी आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले चेक कर लेते हैं कौन सी क्यूआर कोड को ज़्यादा रेट मिला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वाले क्यूआर कोड को 1, नीचे वाले 7 और नीचे वाले को 4, नीचे वाले फिर से नीचे में 5 है और यहाँ पे इसमें 3, यहाँ पे आप देखेंगे 46 है, नीचे वाले में 123। तो सिंपली हम इसी को सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए ऐड पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो ये ऐड ऑन हो जाएगा और राइट साइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे HTTP HTTPTS और मेल टू टेल SMS जियो और कस्टम है। तो मैं यहाँ पे HTTP को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक लिंक को कॉपी किया हूँ, तो सिंपली यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूंगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि लिंक में HTTPS है और यहाँ पे भी HTTPS है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि HTTPS पहले से ही है और यहाँ पे भी है। तो हम यहाँ से इसको HTTPS को लिंक वाले बॉक्स में से इरेज कर देंगे, और आप चाहें तो कलर वाले बॉक्स में से आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। मैं ना सिंपली नीचे आता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो एक क्यूआर कोड जेनरेट हो जाएगा। चेक करने के लिए सिंपली हम इसको कंट्रोल यस मोर ऑप्शन में आएंगे और डेस्कटॉप पर सेव कर देंगे। तो मैंने यहाँ डेस्कटॉप पर सेव कर दिया हूँ। इसको चेक करने के लिए हम जाएंगे ब्राउजर में, ताकि हमने जो यहाँ पे क्यूआर कोड को जेनरेट किए हैं वो एग्जैक्टली काम कर रहा है कि नहीं। तो सिंपली हम जाएंगे ब्राउजर पे, तो हम आ गए हैं ब्राउजर पे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्यूआर कोड ऑनलाइन स्कैनर और इंटर करेंगे, और यहाँ पे पहले ही ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि इमेज ऑप्शन है और यहाँ पे वीडियो है। तो सिंपली हम इमेज वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चूज फाइल बोल रहा है, तो चूज फाइल पे हम क्लिक करेंगे और जाएंगे डेस्कटॉप में, और नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं क्यूआर कोड है, तो सिंपली इस क्यूआर कोड को हम सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। तो आप देखिए नीचे लिंक ओपन हो गया है। सिंपली इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमने लिंक यहाँ पे दिए थे वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ।